मित्रों, व्यक्ति को अकेले चलना भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ होगा। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि एस नाम वाले लोगों के साथ सी नाम वाले लोगों की जोड़ी किस तरह की होती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि एस नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं, फिर जानेंगे कि सी नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं, और उसके बाद हम एस नाम वाले लोगों के साथ सी नाम वाले लोगों की जोड़ी का मिलान करेंगे कि ये जोड़ी कैसी होती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं कि एस नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होते हैं और इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, क्रियाशील, ईमानदार और नियम कानून के पक्के सज्जन होते हैं। इनको दिखावटी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। इनके चरित्र में काफ़ी गहराई छुपी हुई है। हमेशा मानव कल्याण के कार्यों और समाज की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये किसी भी विद्या को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव से इन्हें बहुत दुख पहुंचता है। झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, सामने वाले व्यक्ति को अंदर से पढ़ लेते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ, ये तुरंत ही जान लेते हैं। इनमें ये विशेष बात होती है, ज़्यादा स्वार्थी नहीं होते हैं। जिसके संपर्क में होते हैं उसके प्रति पूरी ईमानदारी से व्यवहार रखते हैं। स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है और मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। खरी खरी कह देने में हिचकते नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये लोग विचलित नहीं होते। ये लोग गंभीरता को पसंद करने वाले होते हैं। इनको अपने कार्यों में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और इनको कई बार गुस्सा ज़्यादा आता है और जल्दी आता है। अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। इनको जो चीज़ अच्छी और उचित लगती है उसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। बहुत दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। जो कुछ भी सोचते हैं वही बात स्पष्ट बोल देते हैं, अपनी बात को सच्चाई से बोलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलते। बहुत ही न्यायप्रिय लोग होते हैं, सच्चाई के लिए ही अपनों से भी लड़ जाते हैं। ठीक, खुले विचारों के होते हैं और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति इनको पसंद होते हैं। शादी के प्रति इनका नज़रिया काफ़ी तार्किक और बौद्धिक होता है। ये लोग यथार्थ में रहकर जीवन जीना पसंद करते हैं। एक बार ये किसी के प्रति कमिटमेंट कर दें तो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ते। ये हमेशा बिगड़े को बेहतर और बेहतर को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने साथी की खुशी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, और ये दूसरों को कभी परेशानी में नहीं डालते, तो फिर वो अपने साथी को कैसे परेशानी में डाल सकते हैं। परिवार की हर जरूरत के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, पर इनका अपने हिसाब से बजट बनाकर चलना इनको पैसों की ज़्यादा कमी नहीं होने देता। ये इनमें विशेष बात होती है और इनकी उसी के साथ नित्य है, या कहना चाहिए ये उसी के साथ रह सकते हैं या जीवन भर साथ चल सकते हैं। जो इनकी तरह ही बुद्धिमान होगा वही इनका सही जीवन साथी बन सकता है। बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और अगर कोई इनसे एक बार मुलाकात कर ले या बात कर ले तो वो इनसे बार बार मिलना और बात करना चाहेगा। ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन अगर दोस्ती में कोई इनसे झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, या कहें तो दोस्ती नहीं रखते, क्योंकि इनको रिश्तों में झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। इस कारण इनका स्वभाव कभी कभी बहुत जिद्दी भी हो जाता है और ये लोग क्रोधी भी हो जाते हैं और क्रोध आने पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। इन पर झूठे आरोप भी कई बार लगते रहते हैं। ये अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश हमेशा करते हैं और प्रेम के मामले में ये दिखावा नहीं कर पाते, पर जिससे प्रेम करते हैं उसको बहुत प्रेम करते हैं और उस पर अपना एकाधिकार रखने की कोशिश भी करते हैं। इनका प्रेम सिर्फ इनका हो ऐसे सोचते हैं ये लोग। ये आसानी से किसी को अपना नहीं बनाते, दिल के काफ़ी अमीर होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बताते। जिनके साथ होते हैं उनके साथ सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और अपने रिश्ते को जीवन के अंत तक निभाने का प्रयास करते रहते हैं। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एस नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि सी नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। बहुत ही आकर्षक लोग होते हैं, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। ये लोग हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालना पसंद करते हैं।
बहुत ही चतुर होते हैं, पराक्रमी और साहसी होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और उच्च आचरण वाले होते हैं। परंतु अगर इनसे आपका झगड़ा या बहस हो गई तो ये फिर अपनी बात पर अड़िग रहते हैं और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको जल्दी ही समाप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। भावुक स्वभाव वाले लोग होते हैं और इन पर अगर कोई कभी कोई उपकार कर दे तो ये उसका उपकार कभी नहीं भूलते। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास रखते हैं, हमेशा खुद के प्रति सचेत रहते हैं और दूसरे की परवाह किए बगैर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, घर परिवार की परवाह बहुत करते हैं। ये लोग दूसरे के कामों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उससे तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं। समस्या का अगर समाधान नहीं मिले तो बहुत जल्दी बेचैन हो जाने वाले लोग होते हैं। काफ़ी जागरूक रहते हैं। अगर कोई सीखने को कुछ भी इन्हें किसी व्यक्ति से मिलता है तो ये उसको सीखने में देर नहीं लगाते और ये लोग दूसरों को अपनी राय बताने में बहुत खुशी जाहिर करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए माहौल तैयार कर लेते हैं और हर कोई व्यक्ति इनकी बातों पर ध्यान भी देता है। अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल करने का प्रयास करते हैं और हासिल करते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे को तैसा वाले स्वभाव पर यकीन करते हैं और ये लोग इनके स्वभाव से सभी लोग खुश रहते हैं और इनका विरोध कम ही देखने को मिलता है। खुद पर बहुत विश्वास रखते हैं। कभी भी ये लोग लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है, अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। जीवन के कठिन दौर में भी ये अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं। जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले होते हैं, जो निडरता और अपने साहस के लिए जाना जाता है। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपने आसपास और खुद भी सफाई बेहद पसंद करते हैं और प्रत्येक कार्य को भी सफाई से ही करना पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी काम मिले सतर्कता पर इनका ध्यान पहले जाता है और अक्सर ये उदार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। और ये लोग अपनी कल्पना और निरीक्षण शक्ति इनकी कल्पना और निरीक्षण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और गुस्सा जल्दी आता है। इन्हें अपमान बर्दाश्त नहीं होता और ज़िद्दी होने के साथ साथ हमेशा अपने परिवार में किसी न किसी सदस्य से कोई न कोई छोटी मोटी खटपट इनकी चलती रहती है और इनको अक्सर मनचाहा साथी नहीं मिल पाता है। और ये लोग कई बार अभिमानी भी देखे जाते हैं और इनका प्रेम अगर किसी से होता है तो अपने प्रेमी प्रेमिका पर बहुत ही उदार स्नेह, ये कभी कभी अतिरिक्त स्नेह की बौछार भी कर सकते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने जीवन साथी को बहुत ही सक्रिय और आकर्षक देखना चाहते हैं। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको और जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के मामले में काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, जिसके चलते इनके रिश्ते में कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। और प्रेम के मामले में जो ये लोग होते हैं बहुत ही सफल होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी सफल रहता है, काफ़ी ईमानदार होते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसका जीवन भर साथ निभाने का प्रयास करते रहते हैं। कम ही ऐसे लोग पाए जाते हैं जो धोखा देने वाले होते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति इनका प्रेम भी सच्चा होता है। कुछ इस तरह के होते हैं सी नाम वाले। चलिए मित्रों, अब मिलान करते हैं कि एस नाम वाले लोगों के साथ सी नाम वाले लोगों की जोड़ी किस तरह की हो सकती है। तो मित्रों, यश नाम वाले लोगों के साथ सी नाम वाले लोगों की जो जोड़ी है एक सामान्य जोड़ी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा प्रेम भी कर सकते हैं और इन दोनों के साथ एक दूसरे के साथ इनका स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। ये लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बीच स्वाभाविक निस्वार्थ प्रेम होता है। और जो यश नाम वाले लोग हैं सी नाम वाले लोगों के रिश्तों में एक दूसरे के साथ मिलकर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। और इनकी लाइफ की बात करें तो एक जैसा नज़रिया रखने वाले लगभग ये लोग होते हैं जो उन्हें करीब लेकर आता है। और जो सी नाम वाले लोग हैं इनके पास बहुत नए विचार होते हैं,
बहुत ही परिवर्तनशील लोग होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बातों को बदलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपने कामों को भी बदल सकते हैं। इस तरह इनके पास नए नए विचार आते रहते हैं, लेकिन एस नाम वाले लोग इनको सहायता करते हैं और एक कार्य पूरा होने से पहले दूसरा कार्य शुरू करने नहीं देते और जो कि इन्हें तरक्की पर ले जाता है, जिससे इनकी उन्नति होती है। तो यश नाम वाले लोग और सी नाम वाले लोग मिलकर एक अच्छी जोड़ी बना सकते हैं और इस रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात ये होगी कि दोनों कुछ नया करना पसंद करते हैं, दोनों कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर मिलकर करते हैं तो सी नाम वाले हमेशा यश नाम वाले लोगों की बुद्धिमानी को पसंद करते हैं और जो यश नाम वाले लोग हैं वो सी नाम वाले को किसी भी स्थिति में निपटने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि यश नाम वाले लोग सी नाम वाले लोगों को गहराई समझाते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए चीज़ें उनको बताते हैं और उनको आगे निकालने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। सी नाम वाले लोग और यश नाम वाले लोगों की जोड़ी बहुत ही रोमांचक हो सकती है। उनमें एक समझ होती है, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और एक दूसरे के लिए मान सम्मान की भावना भी इन दोनों के अंदर होती है। और यश नाम और सी नाम की जोड़ी में कुछ नया करना तो इन्हें हमेशा पसंद आता ही आता है, लेकिन कुछ भी नया करने से पहले एक दूसरे की सलाह लेते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों का सम्मान करते हैं और कोई भी कदम बढ़ाने से पहले एक दूसरे से बात करके ही आगे बढ़ते हैं। अच्छे बुरे समय में भी ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाने वाले होते हैं। तो यश नाम और सी नाम की जोड़ी एक अच्छी जोड़ी हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में इनके रिश्ते जो है सामान्य ही होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोई भी बात करने से पहले सोचते नहीं हैं, जो भी बात मन में आती है बोल देते हैं, जो कि इनके वैवाहिक संबंधों में अप एंड डाउन दिखाती रहती है। दोनों एक अच्छा कपल बन सकते हैं, एक दूसरे को समस्या से निकाल सकते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों में अच्छे रह सकते हैं, लेकिन जब भी रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की आती है तो ध्यान रखें कि इन दोनों के बीच दोस्ती जैसा माहौल होना चाहिए, तभी ये कपल एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि रोमांस के मामले में दोनों का मिलन काफ़ी अच्छा होता है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं, वहां पर रिलेशनशिप में कभी ये लोग बोर नहीं होते। अगर बोर होने लगें तो अपने रिलेशनशिप में नयापन लाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना पसंद करते हैं और वहां पर इनको काफ़ी अच्छा देखा गया है। फिजिकल रिलेशनशिप में ये जोड़ी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रहे कि इस जोड़ी में भी कुछ न कुछ अप एंड डाउन अवश्य हैं और वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। सी नाम वाले लोग जो होते हैं वो यश नाम वाले लोगों के ऊपर अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, जो यश नाम वाले लोगों को कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि यश नाम वाले लोग बहुत ही स्वतंत्रता पसंद लोग होते हैं और उनकी स्वतंत्रता कोई उनसे छीने ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं होती है। यहाँ पर यश और सी नाम वाले लोगों के बीच में आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। सी नाम वाले लोग जब भी बात कोई बोलते हैं तो कई बार ऐसा करते हैं कि बात को सोचे बगैर ही बोल देते हैं और इसी आदत से यश नाम वाले लोगों को काफ़ी ठेस पहुंचती है, काफ़ी उनका जो है संघर्ष उनके जीवन में फिर आ जाता है, काफ़ी वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस कारण भी इन दोनों के बीच अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। तो सी और एस नाम वाले लोगों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होगी और उसके लिए इनको समय आपस में देना होगा, तभी ये जोड़ी एक अच्छी जोड़ी हो सकती है। इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए दोनों को कुछ न कुछ समर्पण करना होगा, समझौते करने होंगे, तभी ये जोड़ी एक अच्छी जोड़ी हो पाएगी। सी नाम वाले लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं और कई बार इनका आक्रामक स्वभाव इनका नियंत्रित नहीं रहता है और इस कारण इस नाम वाले लोगों के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। वहीं इस नाम वाले लोगों को स्वतंत्रता पसंद होती है और वो भी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो कई बार वो भी ज़्यादा क्रोध करते हैं, तो दोनों के बीच वाद विवाद होते हुए देख सकते हैं आप। तो यश नाम वाले लोगों को धैर्य रखना होगा और सी नाम वाले लोगों को अपने आक्रामक स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, तभी ये जोड़ी एक अच्छी जोड़ी बन सकती है। तो इस जोड़ी में सबसे बड़ी बात यही है कि यश और सी नाम वाले दोनों लोगों को छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा, यश नाम वाले लोगों को धैर्य रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा और सी नाम वाले लोगों को अपने आक्रामक स्वभाव पर नियंत्रण करना होगा, परिवर्तनशील स्वभाव को थोड़ा सा बदलना होगा। ये बातें आपको करनी होंगी, एक दूसरे का मान सम्मान करना होगा, एक दूसरे की बातों का मान सम्मान करना होगा, एक दूसरे के बीच तालमेल बिठाना होगा, चाहे वैवाहिक संबंध हो चाहे प्रेम संबंध हो, तभी ये जोड़ी एक अच्छी जोड़ी हो सकती है। वरना निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूँगा कि यश नाम वाले लोगों के साथ सी नाम वाले लोगों की जोड़ी एक सामान्य जोड़ी है, लेकिन अगर आप इसमें तालमेल बिठाते हैं तो इसे आप एक बहुत अच्छी जोड़ी बना सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे
एस नाम वाले लोगों के साथ सी नाम वाले लोगों की जोड़ी किस तरह की हो सकती है, इस बारे में कुछ चर्चा की। ये एस नाम वाले लोगों की जोड़ी का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।